हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अन्वेषा क्लासेस। आज के इस वीडियो में देखने वाले क्लास फर्स्ट सेकंड टर्म हिंदी सैंपल क्वेश्चन पेपर। जैसे कि बच्चों के अभी सेकंड टर्म एग्जाम यानी कि फाइनल एग्जाम आने वाले हैं, तो उनसे रिवीजन कराने के लिए आपको क्वेश्चन पेपर बहुत यूजफुल होने वाले हैं। मैं ये नहीं कह रही कि बच्चों को एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएंगे, बस इस तरह से आ सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर में मैंने क्लास फर्स्ट में बच्चों को सिखाए जाने वाले टॉपिक्स को कवर किया है। आप इसके साथ ही उनके टेक्स्ट बुक में पढ़ाने जाने वाले टॉपिक्स की भी एक बार रिवीजन जरूर कराइएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्दों के अर्थ अंग्रेजी में लिखिए। अभी जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स होते हैं, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, तो उनको इंग्लिश में तो उनके नाम पता रहते, कभी कभी वो हिंदी में उस चीज को क्या बोलते हैं उनको पता नहीं होता है। इसके लिए आपको एक क्वेश्चन भी बच्चों से जरूर सॉल्व कराइएगा। इसमें आप जो वर्ड्स है वो अपने हिसाब से भी दे सकते हैं, जो उनके टेक्स्ट बुक में है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो भी वर्ड्स आप यहाँ पे बच्चों को दे सकते हैं। फर्स्ट है घंटी, घंटी यानी बेल। नेक्स्ट है कक्षा यानी स्टैंडर्ड, यानी ये कौन से क्लास में पढ़ते हैं। नेक्स्ट है घर, घर यानी होम, किताब, बुक, सूरज, सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दों को पूरा करें। यहाँ पे कुछ शब्द दिए हैं, वो फिलिंग द ब्लैंक्स यानी कि उसमें कुछ वर्ड्स मिसिंग है, बच्चों को आइडेंटिफाई करके लिखने हैं। फर्स्ट अ डैश र, अ नार, डैश ताप किताब, डैश ता छाता, माता भी हो सकता है, डैश ल नल जल। नेक्स्ट थर डैश र मस थर्मस। आप इस तरह से और भी वर्ड जो उनके टेक्स्ट बुक में है वो भी आप बच्चों को यहाँ पे दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान मात्रा वाले शब्द पर गोला लगाओ, यानी कि जिस वर्ड्स दिए हैं और आगे जो वर्ड उसमें जो सेम मात्रा है उनको बच्चों को सर्कल करने के लिए बोलना है। फर्स्ट है तोता, अभी यहाँ पे मोर आज मौसम, तोता को ओ की मात्रा है, मोर को ओ की मात्रा है, आज को आ की मात्रा है, मौसम को औ की मात्रा है, तो तोता समान मात्रा हुआ मोर से। अभी मेला को औ की मात्रा है, खेल हिरन, खेल को एक ही मात्रा है जो सेब, और खेल को एक ही मात्रा है, हिरन को छोटी एक ही मात्रा है। से राजा, राजा को आ की मात्रा यानी कि यहाँ पे बाजा, घर अ की मात्रा इसमें है, नल को। नेक्स्ट है किताब यानी कि छोटी एक ही मात्रा है, हिरन को, तो हम इसको सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है दिए गए वर्णों से शब्द लिखो, यहाँ पे कुछ वर्ण दिए हैं, बच्चों को वर्ण से शुरू होने वाले शब्द यहाँ पे लिखने हैं। फर्स्ट है सर से बच्चों कोई भी वर्ड्स लिख सकते, जैसे कि सूरज, न, नल, फ, फल, क, कमल, श, शलगम। यहाँ पे बच्चों उनको उस वर्ण से आने वाले कोई भी शब्द लिख सकते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र का शब्द से मिलान करो, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ड्रॉ की है, यहाँ पे कुछ शब्द लिखे हैं, जो राइट पिक्चर और राइट वर्ड हमको एक दूसरे को मिलान करना है। फर्स्ट पिक्चर है आम, तो हम आम से मैच करेंगे। नेक्स्ट गिलास, तो हम गिलास वर्ड से मैच करेंगे। नेक्स्ट है फूल, उसके बाद है सूरज, उसके बाद है घंटा जिनकी बेल का पिक्चर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लिंग बदलो, से लड़का लड़की, माता पिता, चाचा चाची, बेटी बेटा, मोर मोरनी। यहाँ पे हमें जहाँ स्त्रीलिंग दिया है तो उसका पुल्लिंग लिखना है, अगर पुल्लिंग दिया है तो उसका स्त्रीलिंग लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीजों के रंग लिखो, यहाँ पे कुछ चीजें दी है, कुछ वस्तुएं दी है, उसका रंग क्या होता है बच्चों को यहाँ पे लिखना है। फर्स्ट है टमाटर, टमाटर होता है लाल, सेब भी होता है लाल, बाल कैसे होते हैं काले, पालक कैसे होता है हरा, कौवा कैसा होता है काला।
नेक्स्ट है सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करो। यहाँ पे कुछ वाक्य दिए हैं और ऑप्शन दिए हैं, तो वो सेंटेंस में जो राइट ऑप्शन है वो हमें चूज करके लिखना है। फर्स्ट, डैश फलों का है राजा सेब और आम। फलों का राजा होता है आम, तो इसमें से राइट ऑप्शन है आम। आम फलों का है राजा। आसमान में डैश उड़ती है चिड़िया और गाय। आसमान में गाय तो नहीं उड़ती, यानी कि आसमान में क्या उड़ता है? चिड़िया। नेक्स्ट है हीना डैश बजा गिटार और आम। आम को तो हम बजा नहीं सकते, तो हीना गिटार बजा। नेक्स्ट है राम डैश पढ़ केला और किताब। राम किताब पढ़, हम किताब पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वचन बदलो। यहाँ पे कुछ वस्तुएं एक वचन दिए, हमें उनका अनेक वचन क्या है वो पहचान कर लिखना है। फर्स्ट, एक केला अनेक केले, एक से ज्यादा केले। पौधा पौधे। आंख आंखें। किताब किताबे। खिलौना खिलौने। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान अर्थ वाले शब्द लिखो। समान अर्थ यानी कि समान अर्थी जो शब्द है वो हमें यहाँ पे लिखना है। माँ जननी माता। पानी जल। वन जंगल। बालक बच्चा। वृक्ष पेड़। आप इस तरह से और भी उनके टेक्स्ट बुक में होने वाले वर्ड्स दे सकते हैं। इसके साथ ही उनको विलोम शब्द यानी कि विरुद्ध अर्थ वाले शब्द भी यहाँ पे लिखने के लिए दे सकते हैं। इस तरह से हमने आज के वीडियो में देखा है क्लास फर्स्ट हिंदी सेकेंड टर्म क्वेश्चन पेपर। आप ये वर्कशीट के तौर पर भी बच्चों से सॉल्व करा सकते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि बच्चों को कौन सा टॉपिक समझे और कौन से टॉपिक की हमें उनसे और थोड़ी रिवीजन कराना जरूरी है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो जरूरी से लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल के लिए सब्सक्राइब कीजिए। और इसके साथ ही आपको क्लास फर्स्ट से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए क्लास फर्स्ट का प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू।